नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के बुड़ेना अवरीत के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से नवीन धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ हुआ। इससे पहले धुरकोट केंद्र धान ले जाते थे, जिसमें किसानों को बेहद कठिनाइयों और पैसा खर्च होता था। इस कार्यक्रम में महंत राम सुंदर दास गौ सेवा अध्यक्ष, रवि पांडे कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, श्रवण सिंह, राजेश्वर कश्यप, सरोज साहू बुड़ेना अवरीत सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन व पुलिस बल उपस्थित रहा। पूर्ण नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्र में जांजगीर चांपा, आज नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ। आदरणीय रामचंद्र दास जी महंत यहाँ आए, अपना समय दिए। ये जो धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ, उसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, आदरणीय खाद्य मंत्री भगत जी विशेष सहयोग रहा। इसमें हम लोग धान खरीदी केंद्र खुलवाने के लिए गौरी और बुड़ेना के दोनों पंचायत के सरपंच एवं जनपद पैन के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी हम लोग साथ गए और जो हम लोग आवेदन दिए, हम लोगों का निवेदन आवेदन स्वीकार हुआ और आज यहाँ धान खरीदी काम शुरू हुआ। मैं विक्रम प्रसाद कश्यप ग्राम बुड़ेना का हूँ। यहाँ से धान खरीद बेचने के लिए ढीरकोट जाना पड़ता था। नवीन बुड़ेना में उप केंद्र खुल गया है। क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? धान बेचने में प्रॉब्लम हो रहा था, जाने आने के लिए गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहे थे, साधन कुछ नहीं था, किसान लोग को परेशानी भी हो रहे थे वहाँ। तो इसीलिए हम लोग गाँव वाले पंच सरपंच अमृत का सरपंच प्रयास किए कि बुड़ेना में उप केंद्र खुल जाए और चरणदास महंत की तरफ से बहुत धन्यवाद कि गांव से उप केंद्र खुलवाए हैं। ये तो पाँच साल हो गया प्रयास करते करते, अगले भी में दो दिन लेट हो गया बोला वो, नहीं तो अगले साल भी हो जाता इसी करके बोला वो। हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और उनकी नज़र पूरे प्रदेश पर है। किसी भी जनता को समस्या का समाधान न करना पड़े, इसके लिए समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए वो प्रयत्न करते हैं और सबका समाधान करते हैं। और उसी के क्रम में आज हमारे जांजगीर जिला का ये नवागढ़ विकास खंड का बुड़ेना ग्राम है, जहाँ बहुत दिनों से हमारे किसान भाई धान खरीदी केंद्र का मांग कर रहे थे। उन्होंने उसको सुना और आज 1 दिसंबर है जहां धान खरीदी केंद्र उपार्जन केंद्र का शुभारंभ आज हुआ है। मैं सभी किसान बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि बिना कष्ट सहे और बिना दूर गए अपने गांव में ही औरी द बुड़ेना वाले इस उपार्जन केंद्र का लाभ उठाएंगे और किसान भाई बिना खर्च किए अपने गाँव में ही धान को जनता को जो धान है उसे सरकार को बेचेंगे।